पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह तो आपको याद होंगे, वही जो चुनाव के दौरान फोटो खिंचाने के चक्कर में सस्पेंड हुए, इस्तीफा दे दिया। वही एक्टिंग का शौक रखने वाले पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह, सुना है, अब पूरी गंभीरता के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। एक वीडियो भी आया है उनका, इसमें अभिषेक सिंह एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ दिख रहे हैं। खबर है कि पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह जल्द ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ नजर आएंगे। उन्होंने सनी के साथ एक रैप सॉन्ग शूट किया है। अभिषेक ने इस रैप सॉन्ग को खुद गाया भी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। गाने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, सनी लियोनी ने उनके गाने में ग्लैमर का तड़का लगाया है। अभिषेक ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, जौनपुर के मेरे सभी भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आज कितना शुभ दिन है। हमने अभी अभी अपने पहले रैप गाने का वीडियो शूट पूरा किया है, जिसे मैंने खुद गाया है। गाना मेरी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं। सनी की मौजूदगी ने वीडियो में ग्लैमर और जान डाल दी है। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। मैं और मेरी प्रिय दोस्त और को स्टार सनी लियोनी आप सभी को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी। आईएएस रहते समय अभिषेक सिंह को गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर की ड्यूटी दी गई थी। तब उन्होंने सरकारी गाड़ी के आगे फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर उसे अपलोड किया था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सरकार ने उन्हें राजस्व परिषद में अटैच कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। अभिषेक की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस अधिकारी हैं। अभिषेक सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उनके 50 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभिषेक दिल तोड़ के गाने की वजह से रातों रात पॉपुलर हुए थे, मतलब इसके पोस्टर वोस्टर आप अगर नोएडा की सड़कों पर चलेंगे वहां भी आपको दिख जाएंगे, इस गाने के उस वक्त पोस्टर लगे थे। इसके बाद वो जुबिन नौटियाल के गाने तुझे भूलना तो चाहा में दिखे। उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी काम किया है। तो ये अभिषेक की लाइफ से जुड़ा, उनके नए कामकाज से जुड़ा हुआ अपडेट था, जो मेरी साथी मनीषा ने जुटाया था। आप आईएएस अभिषेक के इस नए काम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे भाई, इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये, मुझे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।